कंपैरिजन और कंपटीशन बढ़ा, रॉन्ग कंपैरिजन बढ़ा सर, यानी कि ये कि कोई हीरो है वो कंट्रीब्यूट करने वाला सर। सर देखिए ना सर, ईडी की गाड़ी इतनी गिरी जाती सर, ईडी साहब के घर का साइज क्या आप मुझे बिल्कुल नहीं पता होगा, ईडी साहब के असासे कितने हम से किसी को पता नहीं, लेकिन एक बात है सर, एक बड़ी तादाद मुतफिक होगी हीरो जिना की क्या अशिया थी वो इस्तेमाल की अशिया भी सर तबरक के तौर पर रखी हुई है सर। कमाल देखिए सर, वैसे क्या कमाल होगा सर, आप एक बाल के घर पे चलने लाहौर वाले सर, वो क्रीम जो इस्तेमाल करते थे उसकी खाली डब्बी संभाल के उन्होंने रखी हुई है, वो टुटपे संभाल के रखी हुई है सर, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन जो था उससे हीरो मापा जाता था सर। ये पिछले 30 सालों में बड़ा काम खराब हुआ सर, सक्सेस की डेफिनेशन खराब हो गई सर, कामयाब इंसान की डेफिनेशन खराब हो गई सर। और ये मैं हकीकत आपकी बात को सेकंड करूंगा, मैंने युवास की प्रॉपर जो प्रोफेशनल डिग्री है वो लिए बच्चों को सब इंस्पेक्टर भर्ती होते थे, लास्ट टाइम मैं ट्रेनिंग देता रहा, कुछ बच्चे मिले सर आपको युवास में सुना होगा, मैं कहते थे कि कर रहे वो कहते कि सर वो भर्ती खुली थी, मैंने जॉब शुरू कर दी क्योंकि ये तारुफ है मैं सब इंस्पेक्टर में ज्यादा बेहतर है। तो अब सर ये अगेन फिर सर हमें मानना पड़ेगा कि चले किसी हद तक हम ओपिनियन मेकर हैं, किसी हद तक ये हम समझाने वाले हैं, किसी हद तक सर ये हम कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मर्स हैं जो ट्रांसफॉर्म करते हैं, पैराडाइम शिफ्ट करते हैं, सोच देते हैं और ये बताते हैं कि हीरो वो भी होता है जो कॉन्ट्रीब्यूट करता है, क्योंकि फिर अगेन सर किसी वक्त में ये सब कुछ इकट्ठा किया किसी काम का नहीं। मैं बड़ी माफी के साथ कहूं जिन्होंने इससे बड़ा ज्यादा इकट्ठा किया सर, आप तस्वीर देख लीजिए किस किस तरह की लंदन में हो रही है, मैं उसको पॉलिटिकली नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन आप देख लें कि कॉन्ट्रीब्यूशन एक ऐसी चीज है जिसपे टिकट बनती है, जिसपे माना जाता है। अच्छा मेरे दफ्तर की दीवार जो है उस पर टिकट लगी हुई है, उसमें सूफी बरकत साहब की भी टिकट है, उसमें अल्फा करीम की भी टिकट है, उसमें सोने की टिकट है सर जिना की एंटीक, उसपे सोना चढ़ा हुआ सर, चंद टिकटें बनी होगी मेरे पास, एक वो आ गई मैंने उसको भी फ्रेम करा के लगा दी। तो ये सर हमें बच्चों को रियल हीरो से मुतारिफ करवाना, उन्हें बताना कि असल में जो है अचीवर वो कौन है। ये सर पैसा तो प्रॉपर्टी टाइगोन के पास बड़ा बड़ा होता है, पूरी रिस्पेक्ट की ढेर लैब में केसेस पड़े होते हैं सर, और एक प्रोफेसर जो है सर उसकी तो कुल कमाई, मैं अक्सर कहता हूँ ये प्रोफेशन को जॉब कहना भी ज्यादा है सर, ये पैशन है ये कमिटमेंट है, टीचिंग दो ही चीजें सर, ये पैशन है ये कमिटमेंट है आपका सर्विस का, कि मैं दरअसल इंसानों की तकलीफ कर रहा हूँ, उन्हें बना रहा हूँ, उनको सोच दे रहा हूँ, उनको नजरिया दे रहा हूँ, मैं सोसाइटी को फॉर्म कर रहा हूँ। और ये सर एक रिवाइवल की रिव्यू करने की बड़ी शक्ति है सर, 100% सर्विस। सिर्फ सिम्टम्स का सर, आप यकीन करें ये जहानत में, ये कल्चर में, ये सोच में, ये एनालिसिस करने में, ये जुगाड़ लगाने में, ऐसी दुनिया में कौन नहीं है सर, ये सर इसमें सिर्फ और सिर्फ सिम्ट की जरूरत, ये डायरेक्शन दे रही है सर। दुख है सर कि मजाल गाइडेड है कौन गाइडेड नहीं है सर, दुख है सर हमारे पास सारे प्यारे गाइडेड है लेकिन हमारी यूथ गाइडेड नहीं है, 12 करोड़ यूथ है सर और वो यूथ इसी वक्त इन यूनिवर्सिटियों में है सर। ये फिर अगेन हमारा सर फर्ज बनता है कि जो हम कर सकें हम जरूर करें सर। डॉक्टर साहब मैं बड़ा शुक्रगुजार हमेशा आपके साथ खड़े हैं सर, आपकी फोर्स की शक्ल में, सिपाहियों की शक्ल में हमेशा साथ खड़े हैं, थैंक यू सर, शुक्रिया। और आखिर में मेरा यही पैगाम कि हम अपने घरों के अंदर फ्रूट के दरख्त लगाएं ताकि गरीब लोगों को भी बगैर पैसे के फ्रूट मिल सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।